कॉस्टिंग के बेसिक्स आज देखने हैं और कल से इंशाल्लाह ताला हम प्रॉपर टॉपिक का आगाज करेंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, उनको लेके चल रहा हूँ। अच्छा जी, अभी मैं जब क्लास के ब्रेक में बैठा हुआ था तो मुझे एक टीचर ने कहा, जी हमने बच्चों को ये रिकमेंड किया है कि आप FAR 1 दो और लॉ दो, कॉस्टिंग नहीं दो। तो ये याद रखो, अगर कॉस्टिंग के सेक्टर में नहीं दोगे फिर अगले अटैम में MFA नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है जी। FAR 1 नहीं दोगे तो अगले अटैम में आप FAR 2 नहीं पढ़ पाओगे। तो ये दिमाग में रखना कि MFA पढ़ने से पहले आपको कॉस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए मुकम्मल, क्योंकि MFA में बजटिंग का चैप्टर है, MFA में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का चैप्टर है, MFA में वैक का चैप्टर है, उसमें पूरी कॉस्टिंग की नॉलेज अप्लाई हो रही है। वहाँ ये नहीं हो सकता कि आपको ब्रेक लगवा के पहले कॉस्टिंग पढ़ाई जाए और फिर आगे लेके जाया जाए, ठीक है जी। तो ये पढ़ना जरूरी है। अच्छा जी, हम बात करते हैं जनाब, हमारे पास कॉस्टिंग के सिलेबस में है क्या क्या सर। देखिए, कॉस्टिंग का एक ही पेपर है पूरे CA, पहले दो होते थे, इससे पहले तीन हुआ करते थे, ठीक है जी। अब कॉस्टिंग का एक ही पेपर है पूरे CA में, उस एक ही पेपर में आपने बेसिक्स भी पढ़नी है, एडवांस भी पढ़ना है, सब कुछ से एक पेपर में पढ़ना है, ठीक है जी। और उस एक पेपर के अंदर ठीक ठाक बड़ा कोर्स है, ठीक है जी। ये मैं आगे कर रहा हूँ सर। सर, हमारे पास कहा जाता है कि ये सबसे डिफिकल्ट पेपर होता है। अच्छा, लास्ट अटैम्प्ट का पेपर देखते तो मुझे नहीं लगता कि ये मोस्ट डिफिकल्ट था, आसान तरीन पेपर था हिस्ट्री का। इसके बावजूद सिर्फ 33% रिजल्ट आया, कितना? सिर्फ 33% रिजल्ट आया। ये दिमाग में रखिएगा, सिर्फ 33% रिजल्ट है, 33 से 35% शायद 35-36% का रिजल्ट एक ऐसे पेपर का जो कि शायद हिस्ट्री का सबसे आसान पेपर था, ठीक है जी। कैफ 3 में ये पहला पेपर होता था, कैफ 8 का, अब है कैफ 3, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो अभी दो अटेम्प्ट्स में पेपर आए वो बहुत आसान है, हद दर्जे आसान पर्चे आए, लेकिन इसके बावजूद आप रिजल्ट देख लें कि इतना पैथेटिक रिजल्ट है। लास्ट टाइम फिर रिजल्ट 40% से कुछ ऊपर था, इस दफा तो 35-36% आया। मेरे हिसाब से सर, जिस बच्चे की मैथ्स वीक है ना, नंबर्स के साथ उसकी दोस्ती नहीं है, उसको इस सब्जेक्ट में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये आज मैं बता दूँ, अगर आपके नंबर्स वीक हैं, नंबर्स के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा टफ टाइम जरूर देगा, ठीक है जी। देखो, नंबर्स का मतलब ये नहीं कि आपको कैलकुलस आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए या आपको इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपको बेसिक अर्थमेटिक्स आनी चाहिए, लॉजिकल चीज़ें आनी चाहिए। मैं अगर आपसे पूछूं जी कि एक कंपनी को 100 रुपये कमाने, 30% का टैक्स देने के बाद, 30% का टैक्स देने के बाद कंपनी को 100 रुपये कमाने, तो बताओ कंपनी कितना पैसा कमाए कि 30% का टैक्स भी दे दे उसके बावजूद कंपनी की जेब में 100 रुपये जाए। तो ये आपको क्या करना है सर, परसेंटेजेस से खेलना है, ऊपर जाना है, नीचे आना है, वर्क बैक करना है, आगे पीछे। तो सारा मामला ये है कि एक बेसिक अर्थमेटिक लॉजिकल चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो फिर आप ठीक हो। एक दुकान पे बैठने वाला जो बंदा होता है ना, अगर उतनी जहनीत भी आपकी ना, तो ये सब्जेक्ट आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन यार, चूंकि हमारे यहाँ लोगों ने इस तरह की चीज़ें पढ़ी नहीं, 130 नहीं होगा बेटा, 130 का 30% नहीं होगा ना, 130 का 30% कुछ और आएगा। तो मैं अपने दिमाग में ये रखना है प्यारे भाई कि एक दुकान में बैठने वाला बच्चा था ना, वो करता क्या है, वो ये दिमाग में होता है कि अगर मैं चीज़ 2 रुपये की खरीदी है तो मैं उसको 2 रुपये से ज़्यादा पे बेचूँ, 2 रुपये की चीज़ खरीदी है तो मैं उसको 2 रुपये से ज़्यादा पे बेचूँ, ऐसा। तो आपने पूरे कॉस्टिंग के सिलेबस में ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपसे डिसीजन लेगा जगह जगह, बताओ कंपनी को क्या करना चाहिए, बताओ कंपनी को क्या करना चाहिए, बताओ कंपनी को क्या करना चाहिए। तो चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपने सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना है, यानी सिर्फ पैसे को आपने देखना है, बाकी किसी चीज़ को नहीं देखना है। 2 रुपये की चीज़ खरीदी है तो कम से कम 2 रुपये से ज़्यादा पे बेचनी है। इस तरह की थिंकिंग होगी ना, तो ये सब्जेक्ट आपको आसान लगेगा। मेमन लोगों को अल्लाह ताला ने ब्लेस रखा हुआ इस मामले, ठीक है ना, उनका दिमाग अल्लाह ताला ने ऐसा चलाया हुआ कि वो बिजनेस में चलता है उनका दिमाग, ठीक है ना, तो उनको ये सब्जेक्ट तंग नहीं करता इतना, ठीक है जी। बाकी जो कारोबारी नहीं होते उनको बड़ा तंग करेगा सब्जेक्ट, ठीक है जी। रिजल्ट ट्रेंड क्या है सर, ऐसे रिजल्ट बीकॉम के भी नहीं आते जैसे इसके आए, बीकॉम के भी ऐसे रिजल्ट नहीं आते, 55% ऐसे भी रिजल्ट हैं, 62% ऐसा भी रिजल्ट ARTT ने देखा है। पास हुए 2015-16 की बात है कि हमारे पास टोटल क्लास में 60 बच्चे थे, कितने 60 बच्चे थे, 2 फेल हुए थे, 58 पास हो गए, ऐसा भी रिजल्ट आया। लेकिन फिर ऐसा भी रिजल्ट आया सर कि 20% बच्चा भी पास हुआ,
ठीक है जी। ऐसा क्या हुआ था सर उस अटैम्प में? सर ये सबसे बड़ा मसला है क्या था, आप पेपर के पैटर्न को देखेंगे ना, आपको एक पेपर नजर आएगा हर दर्जे आसान, और आपको उसका अगला पेपर फिर ऐसा नजर आएगा कि आप कहोगे कि सिर्फ सीए फाइनल वाले को दे दो, उससे भी सॉल्व नहीं होगा, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी सॉल्व नहीं होगा, इतना मुश्किल है। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखना कि सर इसमें बड़ा वेरिएशन है। अब लास्ट दो अटेम्प्ट्स के पेपर इतने आसान है कि एक बच्चा अगर उसकी इस हद तक भी तैयारी हो ना, उससे कोई खुद से सवाल सॉल्व ना किया, जो क्लास में टीचर ने कराया वही घर जाके देख लिया, अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं मारी, वो तब भी पास हो जाएगा। लेकिन माशाल्लाह लास्ट अटेम्प्ट में पेपर फेल करने के लिए आपको जो है ना वो दिल गुर्दा चाहिए था। ठीक है ना, वो कहते हैं ना मैं कोई ऐसा काम करूं कि दुनिया याद रखे, लास्ट टाइम लोगों ने वो काम किया। ठीक है जी, कि इतना आसान पेपर इस बार भी ऐसे ही आएगा। देखो पेपर अब चूंकि कैफ फ्री है ना, तो वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप वैसे एफसी पीआरसी पास करके आओ और आपको वो दे दे कि इंतहाई गंदा किस्म का जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल, नहीं, वो अब आपको सवाल देता है आसान रीजनेबल देता है। लेकिन मसला सारा ये है कि आप चूंकि पीआरसी में आपकी एक आदत बनी हुई होती है, तो खैर पीआरसी फिर बेहतर है। पहले तो लोग एफसी में होते थे, क्यूटी का पेपर आता था, उनको पहले से क्यूटी के जो सवाल पेपर में आने वाले होते तो पहले से करके गए। ठीक है जी, तो ये 50-60 गढ़ लो, 200 गढ़ लो, ये पेपर में इसी में से आ जाएंगे। तो ऐसा बच्चा जब ऊपर पास हो के आता था ना, फिर उसके लिए सब्जेक्ट अजाब बन जाता था। अब एटलीस्ट आपने आधे सवाल ऐसे किए होंगे, आधे तो सही किए होंगे ना, आधे तो ऐसे किए होंगे जिसमें आपको सोचना पड़ा। ठीक है जी, हाँ, ये बहुत सारे टीचर्स के असाइनमेंट्स आते थे, भाई मेरे भांजे ने पेपर दिया, पास हो गया वो, उसके इंटर में दो सप्लियां लगी हैं, तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये पास कैसे हो गया? उसने कहा कि चाचा को मसला ही नहीं था, मैं तो ये असाइनमेंट करके गया और माशाल्लाह पहली गो में चक्का मार दिया मैंने। तो ये उन टीचर्स की मेहनत है, लेकिन अब ये कि थोड़ा सा मामला चेंज हो गया। ठीक है जी, अब पहले आई कैप ने किया ये बैड, मतलब फजूल काम ये था कि आई कैप के टोटल क्वेश्चन बैंक में कोई 1000 के करीब सवाल आते, वही बार बार रिपीट हो गया, हर एक के पास आ रहे। तो इन टीचर्स ने ये मेहनत की कि जो बच्चा पेपर दे के आ जाता था उससे पूछ लेते थे, यार बताओ 4-5 सवाल अगर तुम्हें याद हो, फिर 4-5 सवाल तुम्हें याद हो। हर अटैम्प में इन्होंने ये किया, क्वेश्चन बैंक इनके पास 1000 में से 900 इनके पास जमा हो गया। ठीक है जी, अब तुम खुद सोचो कि एग्जाम की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। ठीक है जी, अब उन्होंने किया ये कि थोड़ा सा चेंज किया उसको। ठीक है ना, मतलब हर दफा वो 300 सवाल बैंक में डालते हैं और 300 उसमें से निकाल लेते हैं, तो अब चांस कम हो गया काफी। अच्छा जी, अब देखें जी, सर हमारे कोर्स के हैं 3 हिस्से। ठीक है जी, पहला हिस्सा है कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, ये 35 से 45 मार्क्स का, पुराने कोर्स में ये सिर्फ 15 नंबर का था, अभी कितने मार्क्स का? 35 से 45 नंबर। ठीक है जी, इसमें कितने टॉपिक्स हैं ये लिखते जाओगे अपने पास। ठीक है जी, ये अपने पास नोट करते जाओगे कि इसमें कितने कितने टॉपिक्स हैं और क्या क्या हिसाब किताब है। जी बड़े आगे हम दोस्त, सर इसमें ये 6 टॉपिक्स हैं जो तकरीबन 35 से 45 मार्क्स के। ठीक है जी, इसमें मटेरियल का टॉपिक है, लेबर है, लर्निंग कर्व है, ओवरहेड्स है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। सर ये 6 टॉपिक्स टेक्निकल नहीं है इतने, सिवाय पहले टॉपिक के बाकी के टॉपिक्स इतना ही आसान है, मुश्किल नहीं है। आवाज आ रही है बेटा? ओके जी, इस ग्रेड में बेटा कोई 35 से 45 नंबर है, बड़े मागे लिख लिया जी। सर इसमें क्लासेस कितनी लगेंगी अप्रोक्सीमेटली? सर इस पे लगेंगी हमारी तकरीबन 10 के करीब क्लासेस, इस पे लगेंगी कुछ 7 के करीब क्लासेस, इस पे 5, इस पे 4, इस पे 4 और इस पे 2.5 टोटल, ये क्लासेस हमारी लगेंगी। ठीक है, ये भी नोट कर लो, मैंने माइक बंद कर दिया था। नहीं यार, ठीक है, बड़े हम आगे, मैं कभी भी माइक बंद नहीं करता।
जी मैं ऐसा क्या करूं कि कॉस्टिंग हलवा हो जाए। मेहनत करो बेटा, बार बार सवाल सॉल्व करो, ठीक है जी, प्रैक्टिस करो मंड करो। अच्छा जी सर, हम आगे बढ़ रहे हैं। सर हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इस कोर्स का, ये कॉस्ट क्लोज, ये है तकरीबन, ये आ गया आपके पास, ये सर 20 से 30 मार्क्स का, ठीक है जी, 20 to 30 मार्क्स इसमें से। इसमें ये चार टॉपिक्स है सर, इसमें चार टॉपिक्स हैं, प्रोसेस है, जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स है, टारगेट कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ये तगड़े टॉपिक्स हैं। पहला और चौथा टॉपिक तगड़ा टॉपिक है सर, इसमें टाइम लगेगा, आपको लगाना पड़ेगा, कम से कम दोनों में 10-10 क्लासेस लगेंगी हमारे, ठीक है जी। 8 आप कह लें इसके ऊपर, 10 कह लें इसके ऊपर, फेसबुक पे आ जाएगा बेटा फराज, फिर उसके बाद से आपको जो है ना मैनेजमेंट से रब्ता करना पड़ेगा, वो इनफ है जो आप क्लास में कराऊंगा और जो घर से थोड़ा बहुत करने के लिए दूंगा वो इनफ है, ठीक है। अच्छा ये दो टॉपिक हैं छोटे, ठीक है जी, इस पर तकरीबन 3 क्लासेस लगती हैं, इस पर तकरीबन 3 क्लासेस लगती हैं, टोटल मिला के 30 से 40 नंबर का है। इसका नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये है छोटा एरिया, टॉपिक कम है लेकिन ठीक ठाक टेक्निकल एरिया है। यानी जो आपने पहला टॉपिक देखा 35 से 45 वो आसान तरीन है, उसके बाद सर जो दूसरे एरिया आपने देखा उसमें दो टॉपिक आसान है, दो मुश्किल है, ये टोटल मुश्किल है, ठीक है जी। और इससे है 30 से 40 नंबर, ठीक है जी। इसके आप टॉपिक्स लिखो, बेटा एक्सट्रीमली सॉरी, एक आईकैप की इंस्पेक्शन टीम आई हुई थी, वो जो हमारी कोर्सेज शुरू होने ना तो उसके लिए वो लैब वगैरह देखने आए थे, तो दिखाना मुझे जरूरी पड़ गया। अच्छा जी सर, ये 3 टॉपिक्स आपने देख लिए। अच्छा हम जिस टॉपिक से शुरू करेंगे ना वो ये टॉपिक होगा, ठीक है जी। ये दिमाग में रखना कि दिस इज वन ऑफ द की टॉपिक्स ऑफ कॉस्टिंग। इन 3 टॉपिक से ये हो नहीं सकता पेपर में कि एक सवाल भी मिस हो जाए। इन 3 से लाजमी 3 सवाल आने, ठीक है जी, लाजमी 3 सवाल आने। सर अगर मैं पिछली अटेम्प्ट को देखूं, 15 नंबर इससे आए, 20 नंबर इससे आए, 7 नंबर इससे आए, आप अंदाजा लगा लें कि ये कितने इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। पढ़े हम आगे दोस्त, लिख लिया, कॉपी कर लिया ये। अच्छा जी सर, मैं इस पर आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा कि आपने एग्जैक्टली करना क्या है। मैं आपको सिर्फ 2 बातें बोलूंगा कि एक किताब है जो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। उस किताब में कोई 500 के करीब सवालात हैं विद सॉल्यूशंस, ठीक है जी। और किताब में सिर्फ पास पेपर्स नहीं है, किताब में ग्रेडेड क्वेश्चन है, यानी आसान, फिर मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, और फिर सबसे मुश्किल, ठीक है जी। तो जो बंदा उस किताब से प्रैक्टिस करेगा उसको एक कोहरेंस मिलेगी चीज़ों में, कि यार मैं पहले बेसिक्स कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट सवालों पे जा रहा हूँ, फिर मैं एडवांस क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, और फिर मैं जा रहा हूँ सीए फाइनल लेवल के क्वेश्चन पे। एक चीज़ और दिमाग में रखना, आईकैप के एग्जाम्स में पिछली तकरीबन 12 अटेम्प्ट उठाऊँ ना मैं, तो 12 की 12 अटेम्प्ट में एक चीज़ कॉमन है, हर अटेम्प्ट में सीए फाइनल का एक क्वेश्चन पूछता है, उठाता है सीए फाइनल से, मैक के पेपर से, पुराने पेपर से, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करता है और नीचे उठा के पूछ लेता है, ठीक है जी। तो मैं आपको ये सोच के पढ़ाऊंगा कि कैफ 3 नहीं है बल्कि कैफ 8 का पेपर है, ठीक है जी। ये सोच के मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा आपको ये फील होगा कि यार बहुत ज्यादा चीजें मुश्किल भी हो रही है, लेकिन इतना मैं आपको जमानत दे रहा हूँ कि वंस आप जब ये कंप्लीट करोगे ना
कंप्लीट करोगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप सिर्फ पेपर का सवाल सॉल्व ना हो ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप ही की क्लास में तो 20-25% बच्चा ऐसा भी होगा कि जो क्लासेस नहीं लेगा, रिकॉर्डेड ले रहा होगा, क्लासेस कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है जी, लास्ट बैच में एक बच्ची थी यहाँ पे, यार बहुत अच्छा पढ़ने वाली बच्ची, अच्छी स्टूडेंट थी, सवाल पूछती थी, फेल हो गई सर, 42 पे फेल हुई क्वेश्चन। रीजन क्या है जी? सर मैंने 3 टॉपिक्स कवर नहीं किए, उन 3 टॉपिक्स से तक सवाल टोटल जो है वो 22 से 23 नंबर गया, लेकिन उस 22 से 23 नंबर के ना आने की वजह से एक साइकोलॉजिकल इतना बड़ा प्रेशर उस बच्ची पे क्रिएट हो गया कि उससे बाकी के सवालों में भी हिम्मत से तरीके से काम नहीं किया, आत्मा भूल गया, खराब कर दिया। दूसरी चीज एक और सुनना सर, लास्ट बैच वाले लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा करंट बैच के लेक्चर देखा जाए। उसकी वजह यह है कि यार टीचर जो पिछले अटेम्प्ट का पेपर होता है ना, उसको देखता है कि यार इसमें से कौन से सवाल, कौन से एरिया ऐसे हैं जिसके इस दफा पूछने के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हैं, तो वो उन एरियाज पे बहुत ज्यादा काम कराता है। ठीक है जी, अतः कि हमने अपना थोड़ा सा पोर्टल ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट एक तरफ है और पास पेपर जितने भी है ना, जितने भी पास पेपर है सबकी इंडिविजुअल वीडियो सोल्यूशन बने। तो जब आप कल प्रैक्टिस करने बैठोगे और आपने एक पास पेपर की आपको नहीं समझ आ रहा, तो आपको अब ख्वारी नहीं करने के, पता नहीं सर ने किस लेक्चर में जाके चीज पढ़ाई है, ये नहीं करना है आपने। वहां आपको अलग से टैब आ रहा है पास पेपर का, उसमें आप जाएं, उसमें आपको सवाल मिलेगा, इंडिविजुअली मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये काम ने कॉस्टिंग पे किया हुआ है, तो आपको एटलीस्ट इतना एडवांटेज रहेगा कि आप सुकून से कर लोगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा हाजिर बैच के लेक्चर देखा। ठीक है जी, एक बैच पुराने नहीं देखा करो। तो मैं आपको बता दूं यार, मैं 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ कि मेरा बेस्ट बैच लास्ट वाला था। बेस्ट बैच कौन सा था? लास्ट वाला था। और शायद इस बैच के अख्तिताम पे मेरा ये ओपिनियन हो कि मेरा बेस्ट बैच ये करंट जो गुजरा है वो था। ठीक है जी, क्योंकि हर बैच में टीचर इंप्रूव कर रहा होता है। और अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी मैं अकेले कुल हूं, सब कुछ मुझे आता है और मुझे क्या अब इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो सर फिर लानत है ऐसे उस्ताद के ऊपर। मैं आज भी आप सुबह जब मैं उठाऊ ना, तो मैंने आपके लेक्चर को पूरा प्लान किया था कि मैंने आज जाके क्या पढ़ाना। मुझे पता था कि मैंने आज नए पुराने बच्चे को नहीं बैठने देने क्लास, क्योंकि मैंने आपको बेसिक तीन चार चीजें पढ़ानी है ताकि मैं कल की क्लास को कनेक्ट कर सकूं। ठीक है जी। अच्छा जनाब, दिस लेक्चर विल बी अपलोडेड। ठीक है जी, रिफ्रेशर में ईओक्यू बिल्कुल सॉलिड है आपके सॉल्यूशन से। मैं नहीं, ये फिर मैं रिपीट करूंगा भैया, जो बच्चा फेल हुआ है ना, देखो इस प्रोफेशन का सबसे बड़ा अजाब ये है कि आप एक दफा फेल हो जाए ना, आपको लगता है आपके 3 टॉपिक्स वीक थे, इस पर आपको काम करना चाहिए। यार भाईजान दोस्त निकल जाओ, बात किसी दूसरी क्लास में जाके बैठ जाओ। तो आपको सबसे बड़ा मसला ये होता है कि क्या बता दें, भूल ही गया। हाँ, वो 3 टॉपिक यार मेरे वीक है, मैं 3 टॉपिक पे काम करूंगा, मैं अगले अटेम्प्ट में पास हो जाऊंगा। पता चला आई कैप ने उस अगले अटेम्प्ट में उस 3 टॉपिक से कोई एक सवाल पूछा। तो मैं ये कहता हूँ कि जो फेल हुआ है ना, उसको ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे वो जिंदगी में पहली दफा पेपर दे रहा है। किसी दूसरी क्लास में बैठ जाओ बेटा, आपकी आवाज यहाँ आ रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो आपने ऐसे ट्रीट करना है जैसे पहली दफा आप अटेम्प्ट दे रहे हो। मैं तुम्हें अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे ना कैफ में एक पेपर रुका है, पूरे कैफ एक पेपर मेरा रुका है, जो अब MFA, पहले वो BMBS होता था। ठीक है, और मैंने अगले अटेम्प्ट में 5 पेपर्स दिए। दुनिया जान ने मुझे मना किया, क्या झालत कर रहे हो, ये वो, मैंने 5 के 5 पास कर दिए। ठीक है, कैफ हो गया कंप्लीट, फॉर्म में चला गया मैं। फाइनल में पहली अटेम्प्ट में 4 पेपर उठाए मैंने, 3 पास किए, 1 रुक गया। ठीक है जी, अच्छा हमारे टाइम पे एक में फेल तो सब में फेल, लेकिन अगर आप एक में 45 मार्क्स प्लस में फेल हो ना, तो सिर्फ आपको वही देना है बस। तो मेरा जो रुका था वो 45 प्लस पर रुका था। तो फिर वो एक पेपर ही अगले अटेम्प्ट में दिया, निकल गया वो। उसके बाद फिर मैंने 4 मजीद उठाए, उस 4 में मेरा एक पेपर रुका दोबारा, वो पेपर फिर अगले अटेम्प्ट में दोबारा रुका। जब 2 अटेम्प्ट रुक गया ना, तो तीसरी अटेम्प्ट में मैंने सबसे पहला काम ये किया कि पुराने रजिस्टर फेंक दिए, सारे पुराने रजिस्टर फेंक दिए। मैंने कहा ये सामने भी पढ़े रहेंगे ना, तो मुझे ये फील होगा कि मैंने सब्जेक्ट पढ़ा है, फेंक दो, ये नए रजिस्टर खरीदे, एज इफ कि मैं ये सब्जेक्ट पहली दफा पढ़ रहा हूँ और ACCA के लिए पढ़ रहा हूँ। उसको इस तरह कवर करने की कोशिश की,
और अल्लाह का शुक्र है कि वो उस अटैम में निकल गया। तो जो फेल हुआ है, मेरी आपसे इल्तिजा ये है कि आप इसको ऐसे ऐसे वो करेंगे। अच्छा जी, फिर एक चीज बच्चे ने सवाल और पूछा कि हमारा नया बैच है जो आपने पुराने टॉपिक कवर किए, क्या वो हमें रिकॉर्डेड लेने हैं या हमें आप लाइव पढ़ाएं? देखो उसके अंदर एक बड़ा टॉपिक है ब्रेक इवन का, और उसके अंदर दो छोटे छोटे टॉपिक है तीन तीन क्लासेस के। जो दो दो तीन तीन क्लासेस वाले हैं ना, वो तो मैं आपको कहूंगा कि आप रिकॉर्डेड ही ले लेना। दो क्लासेस का एक टॉपिक है, तीन क्लासेस का एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर 16-17 क्लासेस लगी है, वो मैं आपको छोड़ रहा हूँ दोबारा, ठीक है? वो आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं, अल्लाह का नाम लेके। सर मुझे एक चीज ये बताओ, सर बड़ी बेसिक बेसिक बातें आपसे करूंगा ताकि कल की एडवांस क्लास में आपको कनेक्ट करने में मसला ना हो, ठीक है जी। मुझे एक बात बताएं सर, कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का मतलब क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, स्पेन की क्या कॉस्ट है, क्या मतलब? इस पेन को बनाने पे कितने रिसोर्सेज लगे, क्या लगे, कितने रिसोर्सेज लगे, जितने रिसोर्सेज कंज्यूम हुए इस पेन को बनाने पे, वो इसकी क्या है? से क्या लगाओगे इसको, इस पेन को बनाने पे मटेरियल लगाओगा प्लास्टिक का, एक बंदा जो उसको बना रहा होगा वो लगा होगा, यानी लेबर लगा होगा, ठीक है जी। फैक्ट्री में मशीनें चल रही होंगी, वो खर्चा आया होगा, यानी तीन ही खर्चे आए होंगे, कौन कौन से? मटेरियल, मजदूर, लेबर, और फैक्ट्री के जो बाकी के खर्चे हैं उसको हम ओवरहेड्स कहते हैं, क्या कहते हैं? तो तीन चार चीजें लग के ये पेन बना, ऐसा? तो इन सारी चीजों को ऐड कर दो तो क्या बन जाता है? कॉस्ट। इसका मतलब है कोई आपसे पूछे कि कॉस्ट का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय अ प्रोडक्ट इज इट्स कॉस्ट, ऐसा? जो रिसोर्सेज एक प्रोडक्ट ने कंज्यूम किए वो उसकी क्या है? कॉस्ट है। हम पिकनिक पे गए चार दोस्त, पिकनिक पे सर हमने होटल का खर्चा किया, पिकनिक पे हमने ट्रैवलिंग का खर्चा किया, खाने पीने का खर्चा किया, स्टे का खर्चा किया, सर घूमने घामने का खर्चा किया, सारा खर्चा ऐड कर दिया। तो पूछे पिकनिक की कॉस्ट क्या है, तो हम कहेंगे जी पिकनिक एक एक्टिविटी है, उसको परफॉर्म करने पे जितने रिसोर्सेज कंज्यूम हुए वो क्या है? उसकी कॉस्ट है। लेकिन याद रखना, आपके लेवल पर सर्विस इंडस्ट्री इतनी फोकस नहीं होती है। पेपर में फोकस किस पे रखा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर। तो मुझे बताएं सर, अगर मैं पेन बना रहा हूं तो इस पेन की क्या कॉस्ट है? वो सारे रिसोर्सेज जो इस पेन को बनाने पे खर्च हुए हैं वो क्या है? कॉस्ट है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं सर, कॉस्ट होती है सर दो टाइप की, एक है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और दूसरी क्या होगी? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्यारे बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब पता है क्या है? वो सुनना जरा गौर से। आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना, आपको नजर आते हैं उधर एक फैक्ट्री, क्या नजर आती है? जहां फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है। एक नजर आता है उसका ऑफिस, यहां क्या हो रहा है? हिसाब किताब रखा जा रहा है, ठीक है जी। एक नजर आता है मुझे सेल्स डिपार्टमेंट, इधर क्या हो रहा है? जो गुड्स प्रोड्यूस हो गई हैं उसको बेचा जा रहा है। पहला डिपार्टमेंट कौन सा है? फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या हो रहा है? गुड्स प्रोड्यूस हो रही है। ऑफिस में क्या हो रहा है? हिसाब किताब रखा जा रहा है उसका। सेल्स में क्या हो रहा है? उसको बेचने की कोशिश की जा रही है, ऐसा? इस फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्चा होगा उसको हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और इन दो डिपार्टमेंट्स में जितना भी खर्चा होगा उसको हम क्या कहेंगे? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऐसा? जितना खर्चा फैक्ट्री के अंदर होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जितना खर्चा फैक्ट्री के बाहर होगा इन दो डिपार्टमेंट्स में होगा वो क्या कहलाएगा? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है कि जी एक प्रोडक्ट को बनाने पे जो खर्चा हो रहा है, जो नहीं, याद रखना आप, जो फैक्ट्री के अंदर खर्चा हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो फैक्ट्री से बाहर खर्चा हो रहा है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सीधी सी बात है। अच्छा जी, फिर सर जो फैक्ट्री के अंदर खर्च हो रहा है उसमें एक चीज है डायरेक्ट मटेरियल, गौर से सुनना, क्या जनाब? डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है सी? डायरेक्ट मटेरियल जो एक चीज को बनाने में कंज्यूम होता है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं पूछूं कि एक टेबल में डायरेक्ट मटेरियल क्या है? याद रखना, डायरेक्ट मटेरियल का डेफिनेशन बड़ा आसान है, वो चीज जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है, क्या है? मौजूद है, तो फिजिकली मौजूद है इस प्रोडक्ट में। फिजिकली क्या मौजूद है? लकड़ी मौजूद है, कीले मौजूद है, सर इस पे जो वो समद बॉन्ड लगा है वो मौजूद है, ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। केक बनाने में डायरेक्ट मटेरियल क्या है? अंडा है, मैदा है, सर पता नहीं क्या कुछ और गंद वाला, डीजल भी है, डीजल डायरेक्ट मटेरियल है। केक में डीजल होता है? नहीं, फिर डीजल इस्तेमाल तो हुआ है केक बनाने में, तो वो क्या है सर?
वो मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है, मौजूद है डायरेक्ट मटेरियल। जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल तो हुआ लेकिन प्रोडक्ट का इटसेल्फ पार्ट नहीं बना, वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। ऐसा याद रहेगा, जो प्रोडक्ट में मौजूद है वो क्या? कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है। जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ लेकिन प्रोडक्ट में मौजूद नहीं है, इनडायरेक्ट मटेरियल। सीधा सा ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर, इस प्लास्टिक की बॉटल को बनाने पे प्लास्टिक डायरेक्ट मटेरियल, और शायद सर ये जो रैपर इस पे लगा ये डायरेक्ट मटेरियल, ऐसा इसके अलावा और कोई डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। लेकिन सर इसको बनाने पे आप यकीन करें डीजल भी लगा होगा, पेट्रोल भी लगा होगा, वो सारी चीजें जो यूज हुए, केमिकल्स भी लगे होंगे मशीनों को लगाने के लिए, ग्रीस भी लगा होगा, वो सारी चीजें कहाँ लगी है? मशीनों में लगी है ताकि ये प्रोडक्ट क्या हो सके। लेकिन क्या इसके अंदर आपको ग्रीस नजर आ रहा है, कोई डीजल नजर आ रहा है इसके अंदर? नहीं सर, वो क्या है हमारे पास? इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसा इसी तरह मेरे बच्चों एक चीज है डायरेक्ट लेबर। क्या जनाब? डायरेक्ट लेबर। ये कौन होता है मेरे बच्चों? अच्छा जरा मैं फैक्ट्री को बड़ा करता हूँ, ठीक है। ये हमारी बड़ी सारी फैक्ट्री है, ये जो छोटे छोटे अंडे देख रहे हो ना, ये मजदूर है। ये मजदूर क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इधर एक बैठा है जनाब बदमाश, इसको हम नाम दे दें किस चीज का? सुपरवाइजर। बदवाइया इंसान, लोगों की बदवाएं लेता। इधर एक बंदा है जिसके हाथ में नस्वार की डब्बी है और कंधे में बंदूक है, ठीक है जी। ये हमारा क्या है? गार्ड है सर, ठीक है जी। सर यहाँ पर एक और बंदा बैठा हुआ है जो जिसके पास हथौड़ियाँ और पाने वगैरह हैं। जिस मजदूर को कोई मसला होता है, मशीन खराब हो गई, ये बंदा जाएगा और सही करके आ जाएगा। इसको मैं नाम दे दूँ, मशीन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ऐसा इस कोने में एक बंदा दबा दब चाय पराठे बना रहा है, ये कैंटीन है। अब बताओ आपको कितनी नस्ल के मजदूर नजर आ रहे हैं? एक आपको नजर आ रहा है गार्ड है, एक आपको नजर आ रहा है जो प्रोडक्ट बना रहा है, छोटे छोटे गोल गोल है, एक आपको वो बदवाइया इंसान नजर आ रहा है जो हर किसी की बदवा लेता है, सुपरवाइजर है। एक यहाँ बैठा हुआ सर जो मशीनें सही करता है, कोई खराबी आ गई तो पाने वाने लेके आ जाएगा। एक कैंटीन में बैठा, इधर कितने टाइप के मजदूर है आपको पता है? दो टाइप के। एक वो बंदा है जो बजाते खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर, जो खुद प्रोडक्शन कर रहा है, और बाकी सारे लोग इसको हेल्प कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। गार्ड कैसे फैसिलिटेट कर रहा है? अनऑथराइज एक्सेस किसी का नहीं है सर, ये बाहर बैठा हुआ है तो किसी को अंदर आने नहीं देता। सुपरवाइजर क्या कर रहा है? काम वक्त पे हो, अच्छी क्वालिटी का हो, कोई बंदा फारिग ना बैठे, ये फैसिलिटेट कर रहा है। मशीन सपोर्ट डिपार्टमेंट वाला बंदा क्या कर रहा है? तो मशीन खराब हो गई तो भागते दौड़ते पहुंच रहा है। और सर ये जो कैंटीन में बंदा बैठा पराठे बना रहा है, ये क्या कर रहा है? ये भी सपोर्ट कर रहा है सर, बाकी सबको ताजा दम रखने के लिए चाय वाय दिए जा रहा है सर दबा दब। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो पीले वाले हैं ये सिर्फ डायरेक्ट और बाकी सारे इनडायरेक्ट? ऐसा तो बताएं, हमारे पास सर फैक्ट्री में चार किस्म के खर्चे हो चुके हैं। एक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। ऐसा अब सोचो फैक्ट्री के अंदर और किस चीज का खर्चा होता होगा, सोचो। मजदूर आ गए, अच्छा और क्या होता है सर? आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, क्या चीज? रेंट है। और सर आपको नहीं लगता इलेक्ट्रिसिटी का बिल है? और सर क्या सर हमारे पास? और क्या सर? डेप्रिसिएशन है सर मशीन की सर। और क्या सर हमारे पास? इंश्योरेंस कॉस्ट है। ऐसा ये सारी कॉस्ट आती है। याद रखना सर हमारी कॉस्ट है सिर्फ दो टाइप की, एक है डायरेक्ट कॉस्ट और एक है ओवरहेड्स। एक है डायरेक्ट कॉस्ट, एक है ओवरहेड्स। डायरेक्ट कॉस्ट में दो चीजें आएंगी, कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। इसके अलावा ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस, ये सब मिला के इनको हम एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे? ओवरहेड्स। क्या नाम देंगे? ओवरहेड्स देंगे। ऐसा तो बताएं सर हमारी फैक्ट्री में दो टाइप के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड्स। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और बाकी सारा क्या है? ओवरहेड में क्या क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल भी होगा, इनडायरेक्ट लेबर भी होगा, और बाकी वो सारे खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर हो, ठीक है जी। ये हमने बहुत थोड़े लिखे, फैक्ट्री में 60-65 टाइप के खर्चे होते हैं। ऐसा अब मुझे एक बात बताएं सर, मुझे एज अ कॉस्टिंग स्टूडेंट सिर्फ क्या पता होना चाहिए? डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट लेबर क्या है। ऐसा
याद रखना डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की अकाउंटिंग अलग तरीके से होगी, और इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर और बाकी सारे ओवरहेड्स की अकाउंटिंग अलग तरीके से होगी। ऐसा है, आप अपने चैप्टर्स में देखें, पहला चैप्टर आपके पास क्या आ रहा है, पहला चैप्टर क्या आ रहा है आपके पास, मैंने नाम लिखवाया आपको, मटेरियल आ रहा है, आ रहा है, ये इस मटेरियल की बात हो रही है, ऐसा लेबर आ रहा है दूसरे चैप्टर, ये इसकी बात हो रही है, फिर आगे क्या आ रहा है, ओवरहेड्स आ रहा है, वो उसकी बात हो रही है, ऐसा। तो इन तीनों के ऊपर अलग अलग चैप्टर आपने पढ़ने, इन तीनों के ऊपर आपने अलग अलग चैप्टर पढ़ने, इन तीनों की अकाउंटिंग अलग अलग, खर्चा तो खर्चा है, चाहे डायरेक्ट मटेरियल चाहे डायरेक्ट लेबर हो, नहीं सर, तीनों की अकाउंटिंग क्या है, अलग अलग, ऐसा है। अब बताएं कोई आपसे पूछे डायरेक्ट मटेरियल क्या है, क्या जवाब दोगे, वो मटेरियल जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है, मौजूद है फिजिकली, डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल तो हुआ लेकिन मौजूद नहीं है, वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। सर डायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्ट बना रहा है बाकायदा, खुद प्रोड्यूस कर रहा है, वो डायरेक्ट लेबर, और बाकी वो सारे मजदूर जो प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं वो डायरेक्ट। फिर इसके अलावा फैक्ट्री में बाकी सारे जो खर्चे हो रहे हैं वो, अब बताएं सर कॉस्ट कितने टाइप की है, दो टाइप की, मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितने टाइप की है, दो, डायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड्स। अच्छा डायरेक्ट कॉस्ट दो टाइप की, कौन सी, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, और ओवरहेड्स में दुनिया जान की कॉस्ट आ गई, ऐसा है, ये बात समझ आती है। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताएं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, ये वो कॉस्ट है जो फैक्ट्री के बाहर इंटर हो रही है। अच्छा इसकी मिसाल क्या है सर, आप एआईटीटी में घुसते हो, आपको सबसे पहले नजर आता है एक नीचे गार्ड नजर आता है, ऐसा वो हमारे इंस्टीट्यूट को गार्ड कर रहा है सर, ऊपर आते हो तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट नजर आता है, ये क्या कर रहा है, हिसाब किताब कर रहा है, अंदर आते हो तो एडमिन डिपार्टमेंट नजर आता है, स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर रहा है। आप किसी कंपनी में भी जाते हो ना, वहां भी इसी तरह का हिसाब किताब, आप ऑफिस में घुसोगे ना, फैक्ट्री में नहीं, कहां पर, आपको एक बंदा नजर आएगा जो कंपनी के अकाउंट्स मैनेज कर रहा होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बराबर में एक बंदा नजर आएगा जो कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट होगा, वो केस वेस हो रहा है कंपनी पे, कंपनी का कोई लीगल इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट कर रहा होगा बैठ, उसके बराबर में तुम्हें डिपार्टमेंट नजर आएगा इंटरनल ऑडिट का, जो कंपनी के अंदर हिसाब किताब हो रहा है उस पर कड़ी नजर रखना, डायरेक्टर की तरफ से एक बंदा अपॉइंट होता है जो पूरी कंपनी पे नजर रखता है, ठीक है जी, एक बंदा हिसाब किताब कर रहा है, एक बंदा जो है वो क्या नाम अपना लीगल वाले मैटर्स देख रहा है, और एक बंदा इंटरनल ऑडिट है, और आगे जाओगे आपको एक बंदा नजर आएगा एडमिन डिपार्टमेंट, वो क्या कर रहा है जी, वो कंपनी के सारे पैसों के मामला देख रहा है, लेन देन के मामला देख रहा है, कंपनी की बिल्डिंग की मेंटेनेंस देख रहा है, सारी चीजें देख रहा है। वो बराबर वाले डिपार्टमेंट में कौन है, सेल्स वाले में, लोग बैठे हुए जो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा एक होता है प्रोडक्ट बनने के बाद उसको बेचने की कोशिश करना, पर्सनली जा जाके लोगों को बोलना कि यार ये प्रोडक्ट ले लो, ये कहलाता है सेल्स फंक्शन। एक होता है मार्केटिंग फंक्शन, ये क्या होता है सर, ये प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को बताना कि जी इस प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, जनरल होता है वो, किसी एक बंदे के लिए नहीं होता, वो जनरल होता है। और सेल्स एफर्ट्स क्या होती है, मिसाल के तौर पर इस बंदे को मैंने कहा हमारी कंपनी का सेल्स एजेंट है, मैंने कहा जाओ एआरटीटी में चार चीजें बेच के आओ, जाओ फलां क्लाइंट के पास जाओ, जाओ फलां क्लाइंट के पास जाओ, ये क्या है सेल्स डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या है, यहाँ बैनर लगा दो, टीवी में ऐड दे दो, जनरल हो सबके लिए, ऐसा। मुझे बताओ ये सारे के सारे मामला सेल्स डिपार्टमेंट में डील हो रहे हैं, इनमें जितना भी खर्चा हो रहा है वो क्या कहलाएगा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्या कहलाएगा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब बताओ अगर मैं आपको सारी समरी बोलूं, कॉस्ट कितने टाइप की है, मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग वो कॉस्ट है जो फैक्ट्री में इनकर हो रही है, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग वो है जो ऑफिस और सेल्स डिपार्टमेंट में इनकर हो रही है। फैक्ट्री में जो कॉस्ट इनकर हो रही है उसकी दो टाइप्स है, डायरेक्ट और ओवरहेड्स, ऐसा। डायरेक्ट में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल क्या है, वो मटेरियल जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है, डायरेक्ट लेबर वो मजदूर जो खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर और बाकी सारे खर्चे क्या कहलाएंगे, ओवरहेड्स कहलाएंगे, ऐसा। फिर हमने कहा जनाब हमारे पास और कौन से खर्चे हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग वो खर्चे हैं जो ऑफिस डिपार्टमेंट में हो रहे हैं या सेल्स डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, पक्का ये बात भेजे में बैठ गई, इसमें कोई आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है, बस जहन में रखना है, आपको पता होना चाहिए कि जी ये खर्चा डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है, ऐसा। दो ही चीजें जो हमारे पास है, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, बस, ठीक है। बड़े से आगे ये किसी ने कॉपी करना है तो कर ले, सिलेबस कम तक खत्म हो जाएगा, सिलेबस एक महीने। अच्छा आसान जवाब बताऊं इसका, सिलेबस खत्म हो चुका है,
आपके पोर्टल के ऊपर पुराने बैच के सारे लेक्चर मौजूद है, खत्म हो गया सिलेबस। आप चाहते हो इस बैच में फ्रेश लेक्चर्स लो तो एक महीने पहले खत्म हो गए। इंटायरली इनडायरेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो वकास, इंटायरली इनडायरेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मत लो, मैं कह रहा हूँ अच्छा और बेटर ये कि आप फ्रेश बैच लिया करो। ठीक है जी, आप एक ठेले पे गए हो, वो आपको कह रहे जी ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, ये ताजा आया है, ये पिछले बैच का है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पिछले बैच में जब मैं पढ़ा रहा था मेरे पास पिछले पेपर की नॉलेज थी जो अभी आया नहीं थी ना, अब आ गई ना वो नॉलेज, तो मैं उसके हिसाब से लेक्चर्स और अमेंड करूंगा। बड़े टॉपिक फ्रेश ले लें, नॉर्मल टॉपिक्स बिल्कुल ले सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। भाई मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, मैंने आपको ना ब्रेक इवन पढ़ाना है आखिर में जाकर, ठीक है, लेकिन रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर कोई रिकॉर्डेड से देख सकता है देख ले, आगे उसके डिफरेंट टॉपिक्स में काम बहुत आएगा। ठीक है जी, अच्छा मैंने जो कराया ना वो कराया 17 लेक्चर्स में, कितने में, और आखिर में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो चूंकि आपकी नॉलेज बन चुकी होगी कॉस्टिंग की, तो मैं शायद 8 लेक्चर्स में करा दूँ। इसको आराम और सुकून से देखना है तो देख सकता है उससे, मैंने ही पढ़ाया, ठीक है जी, और किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया। ठीक है जी, आपने FAR1 का बैच कंप्लीट पढ़ाना पढ़ाएंगे? नहीं भाई, मैं फिर बता दूं, हम दो अलग अलग बैचेस चलाएंगे, आकाश का बैच अलग होगा, मेरा अलग होगा, ठीक है ना, और मैंने शायद इस बैच के बाद एक आध और बैच और पढ़ाना है फिर छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि मैं ये जो अभी बैच पढ़ाऊंगा ये रिकॉर्ड होगा, तो मैं एक और बैच इसके बाद पढ़ाऊंगा बस, फिर उसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा FAR1 पे, ये लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है जी, क्योंकि मैंने FAR में भी ये किया कि एक बैच में लगा के 225 क्लासेस ले ली, पूरा कोर्स डिटेल में पढ़ा दिया, अब वो मेरा वैसे ही बिक रहा है, मैं एक साल से मैंने कोई क्लास नहीं ली। तो ये वाला बैच है, आपको इसमें एडवांटेज ये होगा कि सारी की सारी चीज़ें मैं कराऊंगा, पूरी किताब करा के जाऊँगा, क्योंकि मुझे ये लेक्चर आप लोगों के लिए नहीं बनाना, आप लोगों को तो फायदा हो जाएगा इसके अंदर, मैं तो आगे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल बेटा लर्निंग कर भी ले लो उससे। सर रीसेट बैच आज से नहीं, कल से शुरू होगा रीसेट बैच, कल से शुरू होगा। चलो जी बड़े हम आगे सब, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों लिख लिया, कॉपी कर लिया? यार अभी मेरी ना थोड़ी देर पहले एक टीचर से बात हो रही थी, उससे मुझे कहा कि हमने अपने बच्चों को रिकमेंड किया कि आप लोग ना कॉस्टिंग का मुश्किल पेपर है तो लॉ का पेपर। अब चूंकि डिफरेंट टीचर्स की लिमिटेशन ही होती है कि लेवल पे पढ़ा रहे हो, इसके बाद आपने ना MFA का पेपर देना, आप FAR1 इसलिए दो क्योंकि आपने अगला पेपर देना FAR2 का, उसके बगैर नहीं होगा, मैं पहले बता दूँ, FAR1 की नॉलेज नहीं होगी, FAR2 में सिग्निफिकेंट मुश्किल आ जाएंगे। सेम इज द केस विद MFA, अभी आपने पढ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट ये सारी चीज़ें, MFA शुरू ही होगा, PNL बना हुआ होगा, वो कहेगा जी ये डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, आगे चलना शुरू करो। ठीक है जी, आपको होंगी मुश्किलात, ये पेपर डिज़ाइन हो रहे थे ना, तो हमने उसको जब सिलेबस बन रहा था तो उसमें रखा ही इसी तरह गया था कि FAR1 का सीक्वल FAR2, उसके बिल्कुल एग्जैक्ट दूसरे बैच का पहला टॉप कॉस्टिंग, दूसरे बैच के अंदर MFA, उधर लॉ तो इधर भी लॉ, ऑडिट का पेपर ऐसा आखिर का जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती, टैक्स का कोई सीक्वल नहीं, ठीक है ना, टैक्स यहाँ पर पढ़ोगे टैक्स फाइनल में पढ़ोगे, उसका उसका Level 2 में कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन सर जो ऑडिट का पेपर है उसके लिए आपको ऑल सारी की सारी चीज़ें इससे पहले या पढ़ी होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली आप पढ़ दो, ऑडिट का पेपर है सबसे आखिर में, FAR1 और कॉस्टिंग सबसे पहले देंगे। ठीक है जी, पिछली दफा भी यही बच्चों ने कोई ये बेवकूफियाँ की, MFA में आगे बैठे बोंगे बन के बैठे, ठीक है जी, फिर उनको यार वो कॉस्टिंग के लेक्चर देख लो भाई, तो थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को लॉजिकली लेके चलना, ठीक है। अच्छा जी, हमें अपने को रिकॉर्डेड लेक्चर लेने लाजमी ज़रूरत नहीं, अगर हम कल से रेगुलर रीसेट में बैठो कोई मसला नहीं, ठीक है मोहम्मद हमजा क्लास के बाद बात कर लो। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, और सुनो एक चीज़ और सुनो, हमारे एक फैकल्टी मेंबर पढ़ाता है, उससे हमारी एक अरेंजमेंट है कि जितने स्टूडेंट्स आएंगे ना क्लास में, पर स्टूडेंट हम उसको 5,000 रुपये पे करेंगे, ऐसा है, कितने पर स्टूडेंट्स को हम 5,000 पे करेंगे, अगर एक भी स्टूडेंट ना आए तो क्या पे करेंगे हम उसको, कुछ नहीं पे करेंगे। 10 स्टूडेंट आए तो 50,000 रुपये उसको पे करेंगे, ऐसा। 20 स्टूडेंट आए तो
1 लाख पे करेंगे, और सर 40 स्टूडेंट आए तो 2 लाख पे करेंगे, और सर अगर 80 स्टूडेंट आए तो 4 लाख पे करेंगे, ऐसा है कि नहीं है? ये बात समझ आती है? मुझे बताओ ये कौन सी कॉस्ट है जो वॉल्यूम यानी स्टूडेंट्स यानी यूनिट्स के साथ साथ इंक्रीज हो रही है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। कौन सी वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब होता है? वो कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से इंक्रीज हो। ऐसा आपकी क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जो सिंधी स्पीकिंग है? 2-3 लोग। ऐसा कितने ऐसे लोग हैं जो पश्तो स्पीकिंग है? 1-2-3। ये क्लासिफिकेशन है क्लास की, कुछ सिंधी स्पीकिंग, कुछ पश्तो स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग कितने हैं? जी माशाल्लाह एक अच्छा नंबर है। ठीक है जी, उर्दू स्पीकिंग और आखानी कम्युनिटी ने अपने बच्चों की तालीम में पैसा इन्वेस्ट किया, बाकियों ने बच्चों को अच्छा खाना खिलाया था। ठीक है जी, इंक्लूडिंग ऑल सारी कॉमों, सिर्फ उर्दू स्पीकिंग ऐसी कॉम है और मेमन सॉरी, जिन्होंने अपने बच्चों की तालीम में पैसा इन्वेस्ट किया, और ये एक निशानी है कि ये कौम मुस्तकबिल में बाकियों से आगे होगी। अच्छा जी सुनो, बाकी सिंधी पठान पंजाबियों ने अपने बच्चों को खाना खिलाया पेट भर के, ठीक है, अच्छे अच्छे खाने खिलाएं, बस बेटा तू सूचता जा, मोटा होता जा, हम तेरे को देख के खुश हो, पढ़ाई वढ़ाई का क्या करना है, क्या करो? हाँ मैं वाकई आपको बताऊं, हमारे यहाँ जब मैं पढ़ता रहा तो मेरी वालदा को लोग बातें सुनाते थे, ये तुमने बेटा पाला है बेटी है, घर से नहीं निकलता, हमारे बच्चे देखो बाहर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मेरी वालदा कहते हैं यहाँ ठीक है ऐसा ही है। ठीक है जी, आज वो बाहर क्या कर रहे हैं, कोई रक्षा चला रहा है, कोई टांगा चला रहा है, ठीक है जी, हैं हम आज भी वहीं बैठे हैं। चलिए तो मैं बात करूं क्लास में क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अच्छा अब एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं, कितने लोग हैं जो क्लास में, कितने लड़के हैं भैया, सारे लड़के क्लास में, कितनी लड़कियां हैं? अच्छा एक वक्त में एक लड़का लड़का भी हो सकता है और सिंधी भी हो सकता है, ऐसा? अभी जो क्लासिफिकेशन देख रहे हो ना, ये क्लासिफिकेशन देख रहे हो कॉस्ट की बिहेवियर के हिसाब से, किसके हिसाब से? बिहेवियर के हिसाब से। मुझे एक चीज बताओ सर, मटेरियल की कॉस्ट, जितने केक बनाओ मटेरियल उतना ज्यादा होगा, ये कौन सी कॉस्ट है? मटेरियल की भी कॉस्ट है और वेरिएबल भी है, ऐसा? तो अभी जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कॉस्ट की, ये बिहेवियर के हिसाब से देख रहे हैं कि जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाओ, ज्यादा प्रोडक्शन करो, तो कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो इंक्रीज होगी और कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो इंक्रीज नहीं होगी। ऊपर हमने क्या देखा, कौन सी कॉस्ट फैक्ट्री में इनकर हो रही है, कौन सी फैक्ट्री के बाहर इनकर हो रही है। अब हमने कॉस्ट की क्लासिफिकेशन एक और तरीके से देखी, कैसे? कि कॉस्ट कौन कौन सी है जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से बढ़ती है, और कौन कौन सी ऐसी जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से नहीं बढ़ती है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि हमारे एक टीचर है, उसने कहा जी पर स्टूडेंट आपसे पैसे लूंगा, ठीक है जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, उसका मीटर बढ़ रहा है, उसका बिल बढ़ रहा है। अब एक टीचर ऐसा है जो कह रहे हैं नहीं भाई, बेगम कह रही है ऐसा कोई जुए वाला काम नहीं करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े तो तुम्हारी इनकम बढ़े, फिक्स खर्चा ले गया। हमने कहा भाई कोई भी बच्चा हो ना हो, आपको 1 लाख रुपए मिले। अब बताओ जी नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाने से ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है? नहीं हो रही है सर, वही की वही खड़ी है। 80 बच्चे हो गए, 90 बच्चे हो गए, 100 बच्चे हो गए, वो गरीब क्या लेके जा रहा है? 1 लाख। ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। मुझे एक बात बताओ सर, वेरिएबल कॉस्ट कैसी है? जो नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाने से बढ़ रही है। फिक्स कॉस्ट कौन सी होगी? जो नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाने से इंक्रीज। ARTT की फैकल्टी कॉस्ट वेरिएबल या फिक्स है? वेरिएबल है। मेजोरिटी टीचर्स को हम पर स्टूडेंट पे करते हैं, क्या है जी? वेरिएबल। कुछ टीचर्स को हम क्या करते हैं? तनख्वाह देते हैं, वो क्या है? ARTT का रेंट फिक्स्ड है, ARTT का इलेक्ट्रिसिटी बिल वेरिएबल है, एक पोर्शन वेरिएबल एक फिक्स है, लेकिन हम उसको ट्रीट कर लेते हैं वेरिएबल है। ऐसा ARTT के बाहर गार्ड की जो सैलरी है फिक्स है, अकाउंट्स वालों की सैलरी जो है वो फिक्स है सर, एडमिन वालों की सैलरी क्या है? एडमिन में एक बच्चा बैठता है जिसको हमने कहा है कि जितने बच्चे घेरोगे तुम्हें उसका 5% मिलेगा, अब क्या है? वेरिएबल है। ऐसा तो सर इसका मतलब है नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाने से जो कॉस्ट चेंज हो, बढ़े कम हो, वो क्या है? वेरिएबल है। और सर जो तमाम नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए कॉन्स्टेंट रहे उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स कहते हैं। मेरा एक सवाल है सर, वेरिएबल कॉस्ट 0 वॉल्यूम पे 0 रहेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट 0 वॉल्यूम पे भी एग्जिस्ट करेगी, ऐसा है? अब बताओ बाहर जो अली गार्ड खड़ा हुआ है
इसको हम जो तनख्वाह देते हैं वेरिएबल है, फिक्स है? फिक्स है सर। हमने उससे पूछा, हमने कहा स्टूडेंट बढ़ गए तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा है? कहा नहीं सर, मैं पहले भी नहीं देखता था कि कौन आ रहा जा रहा है, अभी नहीं देखता। ठीक है जी, क्या फर्क पड़ता है? तो वो बेचारा एक दिन नमाज पढ़ने में झुकने के निकला नीचे, तो बाहर बैठा हुआ कमी सलवार पहन के बैठा। मैंने कहा तेरी यूनिफॉर्म भी बढ़ा, कहता सर जुम्मे का दिन है, यूनिफॉर्म नहीं पहनू, नमाज पढ़ने जाना। ठीक है, मैंने तुम्हारी गन जाना, कहता वो अंदर पड़ी है। वेरी गुड, मैंने कहा एक डाकू आएगा, वो पहले तुम्हें 3 मिनट का टाइम देगा, जाओ ऊपर से गन लिया, फिर मुकाबला शुरू हो गया। तो अली भाई जो है ना, वो टीआरटीटी का एसेट है। ठीक है जी, फिक्स्ड एसेट है टीआरटीटी। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, और तो सुनना, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ, सुनिएगा दोस्त। हमने एक फैक्ट्री लगाई, उसमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं से मोबाइल फोन्स। ठीक है, और तो सुनना सर, अगर मैं 0 मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस करूं तो मेरे मटेरियल का खर्चा 0 होगा। 100 मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस करूं, मेरे मटेरियल का खर्चा होगा 1 लाख रुपए। 200 मोबाइल फोन प्रोड्यूस करूं तो मेरे मटेरियल का खर्चा होगा 2 लाख। 300 मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस करूं तो 3 लाख, और 400 मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस करूं तो 4 लाख। मुझे बताओगे एक मोबाइल बनाने पे कॉस्ट पर यूनिट कितना खर्चा आता है? 100 यूनिट बनाने पर खर्चा कितना? 1 लाख। तो 1 लाख को अगर डिवाइड कर दो 100 से, तो एक मोबाइल बनाने पर कितना खर्चा आता? 1000। 200 मोबाइलों का खर्चा कितना है? 2 लाख। 2 लाख को डिवाइड करो 200 से, तो एक मोबाइल अब भी कितने का? 1000। 3 लाख रुपए का खर्चा 300 मोबाइल, अब भी एक मोबाइल का खर्चा, और 4 लाख रुपए का खर्चा 400 मोबाइल पे, तो अब भी खर्चा कितना जी? 1000। ऐसा है, मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से बढ़ती तो है, लेकिन एक यूनिट की कॉस्ट सेम ही रहती है। ऐसा है, एक दर्जन अंडे कितने के? अगर एक अंडा 10 रुपए का, 120 रुपए का। 2 दर्जन अंडे कितने के? 240। लेकिन अब भी एक अंडा कितने का? 10 रुपए का। सर 3 दर्जन अंडे कितने के जी? 360 के। लेकिन अब भी एक अंडा कितने का? तो इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट रहती है, और टोटल बेसिस पे क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। ऐसा है, अब इसी मोबाइल की फैक्ट्री पे हम रेंट भी पे करते हैं। गौर सुनना, गौर से सुनना मेरे बच्चे, हम क्या पे करते हैं? मोबाइल बनाने के लिए हम रेंट भी पे करते हैं। ठीक है जी, अच्छा, हम चाहे मोबाइल प्रोड्यूस करें या ना करें, हमें रेंट पे करना है 1 लाख का। 100 मोबाइल पे प्रोड्यूस करेंगे रेंट कितने का होगा? 200 मोबाइल पे भी रेंट कितने का होगा? 300 मोबाइल पे भी रेंट कितने का होगा? 400 मोबाइल पे भी रेंट कितने का होगा? 1 लाख। ऐसा, अब बताओ सर, अगर मैं 100 मोबाइल प्रोड्यूस करता हूं तो लगभग रेंट के कितने पैसे एक मोबाइल पे एलोकेट या चार्ज होते हैं सर? कितना? मैं कह सकता हूँ 1 लाख का रेंट पे किया और फैक्ट्री में सिर्फ 100 मोबाइल बनाए, तो लगभग हमें एक मोबाइल पे 1000 रुपए का खर्चा हो गया। अब रेंट 1 लाख ही है, आप मोबाइल 200 बना दो तो क्या हम कहेंगे कि जी हमारे पास खर्चा तो 1 लाख का ही था, मोबाइल डबल करने की वजह से अब एक मोबाइल पे एवरेज खर्चा कितना आ रहा है? 500। क्या मैं कह सकता हूँ 500 रुपए पर मोबाइल हमने रेंट पे किया? नहीं, हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक मोबाइल पे एवरेज रेंट की कॉस्ट 500 रुपए नजर आ रही है। रेंट तो हम 1 लाख पे करते हैं चाहे मोबाइल प्रोड्यूस हो या ना हो। अब बताओ जी, 1 लाख रुपए 300 यूनिट्स के, तो एवरेज 333 रुपए रेंट आ गया, फिर कितना जी? एवरेज 250 रुपए आ गया रेंट। ऐसा, अब मेरा एक सवाल है प्यारे बच्चों, गौर से सुनना, आपको नहीं लगता कि फिक्स कॉस्ट तो अमाउंट में फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा रहे हो ये क्या होती जा रही है? गिरती जा रही है। एक यूनिट की कॉस्ट क्या होती जा रही है? गिरती जा रही है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो अमेरिकन कंपनीज चाइना में जाके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर चाइना में इनको मजदूर मिल जाते हैं बहुत सारे, और ये मास प्रोडक्शन करते हैं वहां जाके, कहां पर? मास प्रोडक्शन। एक ही फिक्स कॉस्ट के अंदर बिलियंस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। इससे फायदा क्या होता है? एक यूनिट की कॉस्ट सिग्निफिकेंटली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसा है,
अच्छा जी, अब बताएं सर हमारे जहन में अब क्या रहेगा कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से बढ़ती है, फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट की जबरदस्त निशानी क्या है कि पर यूनिट वो कॉन्स्टेंट रहती है और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती जाती है। अब देखो एग्जाम में आपसे वो कैसा खेलता है, वहां आपसे कहता है जी फिक्स कॉस्ट इज वेरिएबल ऑन पर यूनिट बेसिस। फिक्स कॉस्ट इज क्या मतलब, फिक्स कॉस्ट है वो पर यूनिट बेसिस पे चेंज होती जा रही है, कम होती जा रही है, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स पर यूनिट, कॉन्स्टेंट आ रहा है ऐसा। तो अगर आपसे वो कहे तो वो कहे कि सही है गलत है तो आप जवाब दे दोगे। अब बताओ वेरिएबल कॉस्ट टोटल अमाउंट वेरी करती है लेकिन पर यूनिट फिक्स रहता है, फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट फिक्स होती है लेकिन पर यूनिट बेसिस पे वो रिड्यूस हो रही होती है ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कहा जाए आप कंपनी के मालिक हो, कंपनी को कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, कंपनी अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो एक यूनिट की टोटल कॉस्ट होगी कितने, 2000। सर 200 यूनिट प्रोड्यूस करेगी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी निकलेगी, 1500। सर 300 यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी निकलेगी, 1300। 400 यूनिट प्रोड्यूस करेगी तो एक यूनिट की एवरेज कॉस्ट कितनी होगी, 1250। ऐसा है, हमने भी अपनी किताबें प्रिंट करवानी थी, बंदे ने कहा आप कितने यूनिट प्रिंट कराओगे, मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, कीमत बता भाई, कहा बहुत फर्क पड़ता है, जो किताबों के लिए डाइज बनेंगी ना प्रिंटिंग के लिए, जो प्लेट्स बनेंगी वो एक ही दफा बनेंगी, ठीक है जी। आप नंबर ऑफ कॉपीज ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो डाइज की कॉस्ट बहुत सारे यूनिट्स पर फैल जाएगी, और अगर आप कम प्रोड्यूस करेंगे तो उससे कहा अगर आप किताबें 100 बनाएंगे तो 2000 का रेट है, 500 किताबें बनाएंगे तो सर 1200 रुपए का रेट है, 1000 किताबें बनाएंगे तो 800 रुपए का रेट है। अब मुझे एक बात बताएं सर, ये रेट कम कैसे होता जा रहा है, इसलिए कि कॉस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, फिक्स्ड है, और एक हिस्सा क्या है, वेरिएबल है। ऐसा ये बात समझ आ गई। आज की क्लास में सिर्फ यही चीजें कवर करनी थी कि हमारी कॉस्ट दो टाइप की है, जब हम कॉस्ट की नेचर के हिसाब से उसको देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की दो टाइप्स, डायरेक्ट और ओवरहेड्स, डायरेक्ट की दो टाइप, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और ओवरहेड्स में क्या आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड ऑल अदर कॉस्ट। ऐसा फिर हमने पढ़ा जी बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट दो टाइप की है, कौन सी, वेरिएबल और फिक्स। अभी हमने तीसरी और चौथी टाइप देखनी है आगे जाके किसी टॉपिक में, ठीक है जी। एक कॉस्ट है वेरिएबल जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने के साथ बढ़ेगी, और एक है फिक्स जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से चेंज नहीं होगी। ऐसा चक्कर हम एक चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा मटेरियल मैनेजमेंट। क्या होगा उसमें मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली क्या होगा। अज्यूम करो मैंने आरटीडी के बाहर एक ठेला लगाया जिसमें मैं उबले हुए अंडे बेचता हूँ। क्या बेचता हूँ, उबले हुए अंडे बेचता हूँ। 100 अंडे रोज के बेचता हूँ। कितने, 100 अंडे रोज के बेचता हूँ। सर्दी हो गर्मी हो 100 अंडे खाने वाले आ जाए, इसका मतलब है मुझे पूरे साल की डिमांड कितनी, 365 मल्टीप्लाई बाय 100, 36,500 अंडे। एक साथ मंगवा लूं 36,500 अंडे, नुकसान क्या उसमें, रख देंगे नीचे यार किसी गोदाम वोदाम में, किराए देंगे उसका, सर तो ठीक ठाक किराया बन जाएगा। फिर एक काम करते हैं, रोज 100 अंडे खरीद के लाते, गोदाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें नुकसान क्या। अब हमने अगली क्लास में देखना है कि आइडियल कितने अंडे एक वक्त में मंगवाने चाहिए कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन की और स्टोरेज की कॉस्ट कम से कम रहे, ठीक है जी। कल हम एक टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हमने ये देखा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी। मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एक ही है।